मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल. एंड टुडे वी विल बी स्टार्टिंग अ न्यू चैप्टर दैट इज फ्रॉम क्लास 10th, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स. सो इसके जो प्रीवियस चैप्टर की जो वीडियोस के लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, सो यू कैन गो थ्रू देम. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. बिफोर दैट, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट एंड बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट और नोटिफिकेशन मिलती रहे. तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि जितने भी आसपास के मैटर्स होते हैं, चीज़ें होती हैं जो हमारे पास में प्रेजेंट होती हैं, वो कोई ना कोई एलिमेंट से मिलकर, कंपाउंड से मिलकर, किसी मिक्सचर के एलिमेंट से बनी हुई होती हैं. तो ये जो एलिमेंट्स हैं, ये जो प्रेजेंट हैं वो होते कितने हैं और इनको कैसे हम इनके प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग क्लासिफाई कर सकते हैं वो हम देखेंगे. तो एट प्रेजेंट की बात करें तो 118 एलिमेंट्स हैं जिनको अभी तक हम जानते हैं, जिसमें से 118 में से केवल 94 जो हैं वो नेचुरली अक्रिंग एलिमेंट्स हैं. बाकी के जो बचे हुए हैं वो कौन से हैं? मैन मेड हैं, आर्टिफिशियली मेड अप है. अब क्योंकि ये सारे एलिमेंट्स बहुत डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, तो जो साइंटिस्ट हैं वो इकट्ठा हुए और उनके बारे में उनकी इंफॉर्मेशन निकाली, उनकी प्रॉपर्टीज़ निकाली एलिमेंट्स के, तो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट था इन सब को ऑर्गेनाइज करने के लिए. क्योंकि ये ऑर्गेनाइज करने के लिए क्या चाहिए? एक पर्टिकुलर पैटर्न जिसके बेसिस पे हम सबको एलिमेंट्स को हम प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग अरेंज कर सकें एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में. तो जो सबसे पहली क्लासिफिकेशन दी गई, अर्लीस्ट अटेम्प्ट जो कि किए गए थे, वो कैसे थे कि जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको एज मेटल्स और नॉन मेटल्स में डिवाइड कर दिया. अब एक एक करके साइंटिस्ट आए, उनके अकॉर्डिंग उन्होंने क्या क्लासिफिकेशन दिया वो हम देखेंगे. तो सबसे पहले साइंटिस्ट आए थे डोबर इनियर, उन्होंने ट्रेड्स दिए कुछ और उसके अकॉर्डिंग उसका नाम पड़ गया उस क्लासिफिकेशन का, डोबर इनेरियर्स ट्रेड. तो ये ईयर 1817 में आए. इनका पूरा नाम था जोहन वुल्फगैंग डोबर इनियर. ये क्या थे? जर्मन साइंटिस्ट थे और इन्होंने तीन तीन के पेयर में एलिमेंट्स को ग्रुप किया. और इन्होंने क्या बोला कि ये तीन के ग्रुप में पेयर्ड है, जैसे कि मान लो एलिमेंट ए, बी और सी, इनका एक ग्रुप बनाया, ठीक है. और ए और सी का जो एवरेज एटॉमिक मास होगा वो किसका होगा? बी का. तो ए और सी का अगर हम एवरेज एटॉमिक मास निकालें तो वो क्या निकलेगा? बी का एटॉमिक मास. तो ये था इनका बेसिस. और क्योंकि यहाँ पे तीन तीन का पेयर था तो इसको नाम दे दिया गया ट्रेड्स. तो अब जो इसने ट्रेड दिए गए थे, इनका ऑर्डर कैसा था? इनके एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में था. और दूसरी चीज़ कि इनका जो बीच वाला एलिमेंट था उसका जो एटॉमिक मास था वो क्या था? रफली एक एवरेज था ऊपर नीचे वाला के, दोनों के. जो ए एलिमेंट ए हमने लिया था, ए और सी, इसका रफली एटॉमिक मास था किसका? बी का. फर्दर चले तो फॉर एग्जांपल इसने दिया था ट्राइड लिथियम सोडियम का और पोटेशियम का. अब यहाँ पे क्या था कि जो एटॉमिक मास था लिथियम का और पोटेशियम का, वो कंपैरेटिवली एटॉमिक मास था उनका किसका एवरेज था? एनए का, यानी कि सोडियम का. अब इसके ड्रॉबैक्स क्या थे कि इसने जो ट्रेड्स दिए थे वो केवल तीन ट्रेड्स दिए थे, बाकी एलिमेंट्स के लिए ये नहीं दे पाया. और दूसरी चीज़, इसने स्पेस नहीं छोड़ा ताकि जिससे जो नए एलिमेंट्स आए तो उनको हम फिल कर सकें. तो ये थे डोबर इनियर ट्रेड्स. केवल तीन ट्रेड्स दिए थे इसने और ड्रॉबैक्स जो कि हम देख चुके हैं. अब दूसरे साइंटिस्ट आए, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेट्स. तो न्यूलैंड आए, इन्होंने क्या दिया कि ये भी एनकरेज हुए थे किससे? डोबर इनियर से.
अब क्योंकि ये डोबेरेनियर से एनकरेज हुए थे, तो इनकी जो थ्योरी थी, इनके जो क्लासिफिकेशन था, वो किसके बेसिस पे था? एटॉमिक मासेस में। तो ये आए थे 1866 में। इनका पूरा नाम था जॉन न्यूलैंड्स, जो कि एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे। यहाँ पे इन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के थ्रू, और जो लोएस्ट एटॉमिक मास था, जो कि हाइड्रोजन था, यहाँ से शुरू किया और एंड किया किस पे? थोरियम पे, जो कि 56th एलिमेंट था। अब इन्होंने क्या चीज़ देखी? जो वेरी फर्स्ट एलिमेंट होता था इनका, वो और जो इनका 8th एलिमेंट था, उन दोनों की ही प्रॉपर्टीज सिमिलर होती थी। तो इन्होंने क्या किया, इसको कंपेयर किया ऑक्टेव्स, जो कि कहाँ पे यूज़ होते हैं? म्यूज़िक के अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल, हम यहाँ पे देख सकते हैं सारे गामा पादनी से। अब यहाँ पर स्टार्टिंग किससे हुई? सा से, और एंडिंग किससे हुई? सा से। तो यहाँ पर इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ क्या हुई? सेम। इसीलिए इनका नाम, इस क्लासिफिकेशन का नाम दिया न्यूलेंस लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। सो अब न्यूलेंस लॉ ऑफ ऑक्टेव्स जो था, इसकी भी कुछ लिमिटेशंस थी, ड्रॉबैक्स थी। तो सबसे पहला ड्रॉबैक तो ये था कि इसने बोला था कि लॉ ऑफ ऑक्टेव्स होते हैं ना, उनकी फर्स्ट और एट प्रॉपर्टी सेम होती है, पर ये जो रूल कहाँ तक अप्लाई हुआ? केवल कैल्शियम तक, हाइड्रोजन से लेकर केवल कैल्शियम तब ये अप्लाई हुआ। उसके बाद में जो एवरी एट्थ एलिमेंट था, उसकी सिमिलर प्रॉपर्टीज़ फर्स्ट से नहीं थी, तो ये रूल नहीं हुआ काम। तो सेकंड प्रॉपर्टीज़ पे हम आते हैं, सेकंड ड्रॉबैक्स पे आते हैं। तो क्या था कि इसने बोला था कि 56 एलिमेंट्स ही हैं जो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, उसके बाद में उसके अलावा नहीं करते। पर बाद में क्या हुआ कि और एलिमेंट्स आए, डिस्कवर हुए फ्यूचर में, जो इसकी क्लासिफिकेशन में फिट नहीं होते थे प्रॉपरली। उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या थी? डिफरेंट थी। अब न्यूलैंड ने क्या किया, अपनी थ्योरी को प्रूफ करने के लिए इसने दो एलिमेंट को सेम ही स्लॉट में डाल दिया, जो कि कैसे थे? दोनों ही अलग-अलग एलिमेंट्स थे, ठीक है? तो इसमें हम देख सकते हैं कि कोबाल्ट और निकल, जो कि सेम सेट में डाले गए हैं, ठीक है? पर यहाँ पर फ्लोरीन, यहाँ पे फ्लोरीन के कॉलम में है, और क्लोरीन और ब्रोमीन, दीज, ये क्लोरीन और ब्रोमीन, ठीक है? ये क्या है? डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के हैं, डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, इसका ड्रॉबैक हो गया। वहीं आयरन जो है, आयरन Fe, जो कि क्या रिजेंबल करता है कोबाल्ट और निकल की प्रॉपर्टीज से, ठीक है, हैज़ बीन प्लेस्ड फार अवे फ्रॉम दीज एलिमेंट्स, बहुत ही दूर इन एलिमेंट्स से प्लेस कर दिया गया। तो दिस वॉज ऑल कि ये जो थ्योरी इसने प्रपोज की थी, ये वर्क नहीं की गई। अब इन इन न्यूलैंड साइंटिस्ट के बाद में भी दूसरे साइंटिस्ट आए, जिनका नाम था मेंडलीव्स। तो मेंडलीव्स की जो पीरियोडिक टेबल थी, वो कैसी थी, उसका बेस क्या था, तो वो देखते हैं। तो सबसे पहले बहुत सारे साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने कंटिन्यू किया सर्च पैटर्न, कैसे हम एलिमेंट्स को प्रॉपरली अरेंज करें। तो इन्होंने भी क्या यूज़ किया? एटॉमिक मास को यूज़ किया। तो जो हम आज जो पीरियोडिक टेबल यूज़ कर रहे हैं, करेंट पीरियोडिक टेबल, तो उसका जो क्लासिफिकेशन था, क्लासिफाइंग क्रेडिट था, वो किसको जाता है? इन मेंडलीव को। और ये क्या थे? रशियन साइंटिस्ट थे। बहुत ही इनका इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन था, जो कि अर्ली डेवलपमेंट था पीरियोडिक टेबल के अंदर। तो इन्होंने, इनका मेन फंडामेंटल प्रॉपर्टीज क्या यूज़ की थी? एटॉमिक मास, और साथ में उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज। फर्दर मालदीव की वर्क की बात करें, तो इसने उस टाइम पे 63 एलिमेंट्स जो कि नोन थे, उनको एग्जामिन किया, उनके एटॉमिक मासेस, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के रिलेशनशिप को निकाला, और उसके हिसाब से उसने कंपोज किया। अब यहाँ पर क्या किया इसने, जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ थी, वो क्या कंसंट्रेट कर रही थी कि जो एलिमेंट जिनका ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से रिएक्ट करते हैं, और वो जो
यहाँ पर बने हाइड्राइड्स और ऑक्साइड, जिसके बेसिस पे इसने प्रॉपर्टीज देखी एलिमेंट की और फिर इनको क्लासिफाई कर दिया। अब आगे करें तो इनको जो एलिमेंट्स इसने क्लासिफाई किए थे किसके, हाइड्राइड्स और ऑक्साइड के फॉर्म में, तो उनको इसने कार्ड्स के ऊपर लिखा और उन कार्ड्स को इसने टेबल पे पिनअप कर दिया। और कैसे पिनअप किया था कि उसने इंक्रीजिंग ऑर्डर में, किसके, एटमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबको पिनअप किया जहाँ पर उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो थी वो थी सिमिलर। अब मेंडलीव्स के जो पीरियोडिक लॉ था वो क्या स्टेट करता था कि जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज हैं वो पीरियोडिक फंक्शन है किसका, एटमिक मास का। अब फर्दर चलें तो मेंडलीव्स की जो पीरियोडिक टेबल थी उसके अंदर वर्टिकल कॉलम्स थे जिसको उसने कहा ग्रुप, और हॉरिजॉन्टल रोज थी जो कि क्या कही गई, पीरियड्स। अब ये थी मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल जहाँ पर इसने यहाँ पर ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स के फॉर्मूले लिखे। यहाँ पे आर टू ओ, आर ओ, आर टू ओ थ्री एंड सो ऑन, ये रिप्रेजेंट करते हैं ऑक्साइड्स को। वहीं देखे तो आर एच, आर एच टू, ये रिप्रेजेंट करते हैं हाइड्राइड्स को। अब यहाँ पे एक चीज़ थी कि यहाँ पर जो फॉर्मूला रिप्रेजेंट कर रहा है वो ऐसा होगा कि अगर मैं कार्बन का क्या करूँ, ऑक्साइड बनाऊँ तो वो क्या बनेगा, CO2। वहीं अगर मैं इसका हाइड्राइड बना दूँ तो क्या बनेगा, CH4। तो इसका फॉर्मूला ये रिलेट कर रहा है इससे ऐसे ही। तो ये जो पीरियोडिक टेबल थी ये पब्लिश की गई जर्मन जर्नल के अंदर कहाँ, कब, 1872 में। अब आती हैं इनकी अचीवमेंट्स। तो मेंडलीव्स की पीरियोडिक टेबल की बहुत सारी अचीवमेंट्स भी थी। तो सबसे पहली बात, यहाँ पे अगर हम सीक्वेंस देखें, यहाँ कोबाल्ट और निकल का, तो कोबाल्ट का जो एटॉमिक मास है वो क्या है, ज़्यादा है किससे, निकल से। तो ये हमने क्या कहा था कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्लेस किया है, पर यहाँ पर तो उल्टा हो गया है ना। पर अगर हम इनकी प्रॉपर्टीज देखें तो वो क्या है, सिमिलर है। इसको एटॉमिक मास को, इस सीक्वेंस को इन्वर्ट इसलिए किया गया क्योंकि इनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज थी। अब आगे चलें तो इसमें कुछ गैप्स छोड़ दिए गए थे, यहाँ पर कुछ गैप्स छोड़ दिए गए थे इंस्टेंट अपॉन लुकिंग अपॉन देम कि ये कोई डिफेक्ट्स होंगे या ऐसे, उसने छोड़ दिया। और बोल्डली उसने ये प्रिडिक्ट किया कि यहाँ पर जो एलिमेंट्स अभी डिस्कवर नहीं किए गए हैं उनकी एग्जिस्टेंस होगी। और उसने संस्कृत न्यूमरल, दैट इज एकः, वन जिसका मीनिंग होता है, उसको प्रिफिक्स करके उसने कुछ एलिमेंट्स प्रिडिक्ट किए सेम ग्रुप के, जैसे कि स्कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम, और ये सब इसने डिस्कवर किया, जिसको हम क्या कहते हैं, एक स्कैंडियम, एक का एल्युमिनियम कहा इसने, एक का सिलिकन कहा, और भी बहुत सारे इसके अंदर ऐसे एलिमेंट्स थे जो कि इसने केवल क्या किए, प्रिडिक्ट। और लेटर उनकी वही सेम प्रॉपर्टीज थी, सेम एलिमेंट्स थे जो कि फाउंड हुए। और क्या किया इसने कि जो प्रोडक्शन हुई थी इसने की थी एलिमेंट्स की, वो बाद में जाकर प्रूफ, ये वही उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में जो मेंडलीव ने कहा था कि ऐसी ऐसी इसकी प्रॉपर्टीज होगी, वही इसको बाद में वही एलिमेंट्स की सेम प्रॉपर्टीज पाई गई। अब इसने क्या किया कि कुछ नोबल गैसेस थी जैसे कि हीलियम, नियॉन और आर्गन, ये क्या होती हैं, बहुत ज़्यादा इनर्ट होती हैं, ये ज़्यादा रिएक्ट नहीं करती, तो ये बहुत ही बाद में जाकर इनको फाउंड किया गया, डिस्कवर्ड किया गया। और इनकी जो वेकेंट प्लेसेस थे जहाँ पर पीरियोडिक टेबल में, उसकी वजह से क्या हुआ कि पूरी पीरियोडिक टेबल को डिस्टर्ब नहीं करना पड़ा, जैसे इनके ब्लैंक पेसेस पे इनको रख दिया गया। और ये बहुत ही बड़ा अचीवमेंट था किसके लिए, मेंडलीव्स के लिए, उसकी क्लासिफिकेशन के लिए। और इसको रिकॉग्नाइज किया, इस पीरियोडिक टेबल को रिकॉग्नाइज किया, मेंडलीव को रिकॉग्नाइज किया इसके इसके बदौलत। और
जो खासियत थी कि इसने पहले ही डिपिक्ट कर दिया कि यहाँ पर ब्लैंक स्पेस है, इस एलिमेंट की प्रॉपर्टीज ऐसी होगी और यहाँ पर ऐसा एलिमेंट आएगा, तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा अचीवमेंट था। पर अचीवमेंट्स की बात तो हो गई, पर यहाँ पर कुछ कमियाँ भी थी, ड्रॉबैक्स भी थे, लिमिटेशंस भी थी। तो वो क्या थी, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जैसे कि हम बात करें हाइड्रोजन की, जो कि किससे रिजेंबल करता है, एल्कलाई मेटल से, ठीक है। अब हाइड्रोजन जब कंबाइंड करता है हेलोजन से, ऑक्सीजन से और सल्फर से, ताकि वो कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कर सके, तो क्या होता है, सिमिलर फॉर्मूला जनरेट होता है। कुछ एग्जांपल हैं यहाँ पे, कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन, HCl, H2O, H2S, ठीक है। वहीं अगर हम हैलोजन्स, हाइड्रोजन ऑल्सो एग्जिस्ट एज डायटमिक मॉलिक्यूल एंड इट कंबाइंस विथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स टू फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड, वहीं अगर इनको हम जोड़ दें मेटल्स और नॉन मेटल से, तो ये क्या फॉर्म कर लेंगे, कोवेलेंट कंपाउंड। सर्टेनली इनकी कोई फिक्स्ड पोजीशन नहीं थी, हाइड्रोजन की जो पोजीशन थी वो फिक्स कोई नहीं बता पाया था। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही कंबाइन हो जाता था, इजीली कंपाउंड फॉर्म कर लेता था सबके साथ में, और इसकी वजह से ये एक कारण बना मेंडलीव्स की पीरियोडिक टेबल का लिमिटेशन का। सो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन वाज नॉट डिस्क्राइब्ड बाय मेंडलीव्स एंड मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। अब ये तो बात हो गई हाइड्रोजन की, अब आते हैं आइसोटोप्स पे। तो आइसोटोप्स क्या होते हैं, जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज तो सिमिलर हो पर एटमिक मास क्या हो, डिफरेंट। तो जो एलिमेंट्स थे आइसोटोप्स, ठीक है, वो बहुत ही बड़ा चैलेंज बन गए मेंडलीव के लिए कि उनको कहाँ पर प्लेस करें पीरियोडिक टेबल में। और पीरियोडिक टेबल का जो लॉ था, ठीक है, वो इसको फॉलो नहीं कर रहा था। तो बेसिकली आइसोटोप्स एंड हाइड्रोजन की पोजीशन, ये दो कारण थे बहुत ही बड़े, जो कि लिमिटेशन बने किसकी, मेंडलीव्स की क्लासिफिकेशन की, मेंडलीव्स की पीरियोडिक टेबल के। तो और एक और लास्ट इसका लिमिटेशन जो थी पीरियोडिक टेबल की, वो क्या थी कि जो इनका रेगुलर मैनर था डिस्ट्रीब्यूशन किया गया किसके थ्रू, एटॉमिक मासेस के थ्रू, किस में, इंक्रीजिंग और इंक्रीजिंग ऑर्डर में। पर यहाँ पर ये जो ऑर्डर था ये रेगुलर मैनर में नहीं था, रेगुलर इसमें एटॉमिक मासेस में रेगुलरिटी नहीं थी, कि जैसे एक एलिमेंट की अगर इतना मास है तो नेक्स्ट का ये होगा, तो एक ग्रेजुअल इंक्रीज हो जाता था, जिसकी वजह से हम ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते थे कि अच्छा एक एटॉमिक मास इसका इतना है, एक एलिमेंट का तीसरे का इतना है तो दूसरे का इतना होगा। सो दीज वर थ्री लिमिटेशंस ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। एंड वॉट वर दोज, फर्स्ट वॉज कि ही डिड नॉट रिकोगनाइज द प्लेस ऑफ हाइड्रोजन। सेकेंड, आइसोटोप्स वर ऑल्सो नॉट गिवन प्लेस इन इट्स पीरियोडिक टेबल। एंड थर्ड वॉज, रेगुलर मैनर एंड रेगुलर इंटरवल वॉज नॉट गिवन टू अरेंजमेंट ऑफ एटमिक मासेस। अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पे आते हैं हम। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ये किसने दी गई थी, 1913 में दी थी, किसने दी थी, हेनरी मोजले ने दी थी। ये जो टेबल है ये करेंटली हम यूज़ कर रहे हैं, और ये किसके बेसिस पे है, एटॉमिक मास के बेसिस पे है। तो अकॉर्डिंग टू मेल्डीव पीरियोडिक लॉ, अगर मॉडिफाइड करें एटॉमिक नंबर को, तो इसने क्या बोला कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटमिक नंबर। जस्ट लाइक मेंडलीव ने जो बोला था, मेंडलीव ने वहाँ बात की थी एटमिक मास की, और यहाँ पे एटमिक नंबर की बात हो रही है। अब नंबर से एटमिक नंबर की बात करें हम, तो यहाँ पर ये क्या शो कर रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के अंदर कितने हैं एक एटम में, और नंबर इंक्रीजेस बाय वन इन गोइंग फ्रॉम वन एलिमेंट टू दी नेक्स्ट।
तो एक एलिमेंट से हम जब चलते हैं दूसरे की ओर, तो उसके न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन्स का नंबर्स का इंक्रीमेंट हो रहा है, उसके बेसिस पे इसको क्लासिफाई किया गया। एलिमेंट्स जो थे वो एक ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्लेस हुए थे, किसमें? एटॉमिक नंबर के, जिसको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का नाम दिया गया। अब प्रिडिक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज पे एलिमेंट में तो बहुत ही प्रिसीजन थी एलिमेंट्स की, जो कि इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के बेसिस पे इसने करी थी। तो ये जो पीरियोडिक टेबल थी, ये है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो इसमें अगर हम बात करें तो यहाँ पर 18 वर्टिकल वर्टिकल कॉलम्स होंगे और 7 हॉरिजॉन्टल रोज होंगी, 7 हॉरिजॉन्टल रोज और 18 वर्टिकल कॉलम्स। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हाइड्रोजन की पोजीशन है या तो ये फर्स्ट ग्रुप में हो या फिर 17th ग्रुप में। तो इसको प्लेस किया इसने फर्स्ट ग्रुप में अकॉर्डिंग टू दी मास। ठीक है, यहाँ पर जितने भी ग्रीन हैं ये सब क्या हैं? मेटल्स। जितने भी येलो कलर में हैं ये हैं नॉन मेटल्स। और ये जो जिगजैग लाइन यहाँ पर बन रही है पिंक कलर की, इनको हम कहते हैं मेटलॉइड्स। यानी कि या ये दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं, मेटल्स की भी और नॉन मेटल्स की भी। अब यहाँ पे लास्ट में हम आते हैं, ये लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स में डिफरेंशिएट किए गए हैं। यहाँ पर अगर हम इधर बात करें, क्लोरीन की बिलोंग टू 17th ग्रुप, फ्लोरीन क्लोरीन ये जो एलिमेंट्स हैं हमारे, ये क्या है, इनका जो आउटरमोस्ट शेल होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो क्या होते हैं? सेम होते हैं। पहली चीज़ कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वो सेम होंगे, और दूसरी कि डाउन टू द ग्रुप, जैसे हम नीचे जाते हैं पीरियड्स के, जैसे ही हम नीचे जाएंगे तो क्या होगा, नंबर शेल्स, नंबर ऑफ शेल्स का इंक्रीजमेंट होगा। तो ये जो यहाँ पर एलिमेंट्स हैं, इनके नंबर को एटम इलेक्ट्रॉन्स के नंबर पे कैसे फिल करेंगे वेरिएबल शेल में, यहाँ पर ये एक फॉर्मूला है 2n² तो ये फॉर्मूला डिफाइंड करता है कि कितने इलेक्ट्रॉन कितने कौन से पीरियड में कौन से शेल में आएंगे। ठीक है, तो के शेल के लिए देखते हैं 2 × 1, एक के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं? 2, तो यहाँ पे 2 × 1² तो हेंस फर्स्ट पीरियड जो होगा एलिमेंट का, उसमें क्या आएंगे? 2 एलिमेंट आएंगे। एल शेल की बात करेंगे तो वहीं एन की जगह क्या आ जाएगा? 2, दैट इज 8। हेंस सेकेंड पीरियड के पास में कितने एलिमेंट्स आएंगे? 8। ऐसे ही फर्दर थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, ऐसे फर्दर पीरियड से चलते जाएंगे और पोजीशन को डिफाइंड करते जाएंगे। अब इनके जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल था, इसके जो ट्रेंड्स थे उन पे देखे तो पहली चीज़ आती है वैलेंसी। तो वैलेंसी डिटरमाइन किससे होती है? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन से, जो कि कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? आउटर मोस्ट शेल के, एटम के शेल में। ठीक है, तो ये क्या कह सकते हैं कि कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज वैलेंसी। यानी कि आउटर मोस्ट शेल पे डिपेंड करेगा कि कोई एलिमेंट कितनी कैपेसिटी रखता है किसी चीज़ से कंबाइन होने में। जैसे कि आउटर मोस्ट में एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, यानी कि उस अगर वो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो उसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? सेटिस्फाई हो जाएगी, और वो क्या हो जाएगा? इनर्ट पेयर एज एन इनोबल गैस एक्ट करेगा और क्या हो जाएगा? सेटिस्फाई कर लेगा अपनी वैलेंसी। दूसरी प्रॉपर्टी आती है, दूसरा ट्रेंड आता है एटॉमिक मास साइज का। तो एटॉमिक साइज क्या होता है? ये रेडियस होती है एटम की, और इसको कैसे विजुअलाइज किया जा सकता है कि सेंटर जो न्यूक्लियस है वहाँ से लेकर आउटर मोस्ट जो शेल है आइसोलेटेड एटम का, उतनी डिस्टेंस कितनी है, तो वो क्या कहेंगे हम? एटमिक साइज।
अब फॉर एग्जांपल हम हाइड्रोजन का लेते हैं, तो हाइड्रोजन क्या है, 37 पिकोमीटर होता है, ठीक है। पिकोमीटर के अंदर क्या आता है, 10 रेज टू द पावर -12 मीटर्स। अब पीरियोडिक टेबल में अगर हम देखेंगे तो एटमिक रेडियस जो है वो डिक्रीज होता है जैसे ही हम लेफ्ट साइड से राइट साइड में जाएंगे। क्यों? क्योंकि वहां पर जो न्यूक्लियर चार्ज है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को और ज्यादा पुल करता है, अट्रैक्ट करता है, जिससे जो साइज होता है एटम का वो क्या हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है, छोटा हो जाता है। वहीं अगर हम ग्रुप में डाउन जाए, अप से डाउन जाए, तो क्या होता है, एटम साइज जो होता है वो होता है इंक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि जो डिस्टेंस है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के साथ में, वो क्या हो जाता है, स्पिट हो जाता है, और न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, जिससे साइज भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज। अब थर्ड ट्रेंड है मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज। अब अगर हम पीरियोडिक टेबल में देखें तो नॉन मेटल्स जैसे कि सल्फर, क्लोरीन, ये सब कहाँ पाए जाते हैं, राइट हैंड साइड पे। वहीं मिडल में क्या होंगे, मेटलॉइड्स जैसे कि सिलिकन, जो कि सेमी मेटल भी कहते हैं, और क्या कहते हैं, मेटलॉइड। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही तरह की प्रॉपर्टी एग्जिबिट करता है, मेटल्स की भी और नॉन मेटल्स की भी। अब ये जो मेटलॉइड्स हैं, इनकी एक जिगजैग लाइन जो है सेपरेट करती है मेटल्स और नॉन मेटल्स को। इस जिगजैग लाइन में कौन से एलिमेंट्स हैं, बोरोन, सिलिकन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीनोमी, टेरेलियम एंड पोलोनियम, ये क्या है, बोथ प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स और नॉन मेटल्स शो करते हैं। अब मेटल्स क्या होते हैं, इनके अंदर प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रॉन्स लूज करने की और बॉन्ड बनाने की, इसकी वजह से इनका नेचर कैसा हो जाता है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर। अब आता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जो कि अगर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है इसमें पीरियड में अक्रॉस इंक्रीज होगा, तो जो इनकी टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन लूज करने की वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कब? जब हम डाउन टू दी ग्रुप जाएंगे। इसकी वजह से जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, जो कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन के थ्रू होता है, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और ऐसा क्यों होगा, क्योंकि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस से दूर जाते जा रहे हैं, जिसकी वजह से उनको इजीली लूज किया जा सकता है। इसी वजह से हम कहते हैं मेटलिक कैरेक्टर डिक्रीज होते हैं अक्रॉस अ पीरियड एंड इंक्रीज डाउन अ ग्रुप। नॉन मेटल्स की करें हम बात, तो ये होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्यों? क्योंकि इनके अंदर टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की। अब एज दी टेंस और इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो कि जो नॉन मेटल्स हैं वो राइट हैंड पे पाए जाते हैं, ठीक है। दीज ट्रेंड्स ऑल्सो हेल्प अस टू प्रिडिक्ट द नेचर ऑफ ऑक्साइड्स फ्रॉम दी एलिमेंट्स। क्यों ऐसा क्यों होता है कि नेचर पता चल जाए ऑक्साइड्स का, क्योंकि जो ऑक्साइड्स बनते हैं मेटल्स का वो क्या होते हैं, बेसिक होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं, और नॉन मेटल्स के कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं जनरल में। So that was all for today. If you like the video, give a thumbs up and do subscribe our channel and hit the bell icon for latest updates. And please like, share and do comment for your suggestions.